दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोल्ट्री मुर्गी का अमोनिया वास की रोकथाम किस प्रकार से आप कर सकते हैं। पोल्ट्री मुर्गी में जो अमोनिया वास हो जाता है, इसे आप किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देते हैं कि इसे आप किस तरह से रोक सकते हैं। चूजों के मल एवं नमी के कारण बुर्डर हाउस में नौसदर जैसे गंध वास रहती है। इसका स्तर बढ़ने पर भवन में घुसने से आंखों का या फिर आंखों में जलन का अभ्यास होता है। अधिक अमोनिया वास के कारण चूजों का वजन कम हो जाता है। इसमें अब फास्फोरिक अम्ल जैसे कि 1.90 किलो वर्ग मीटर या सुपर फास्फोरेट 1.09 किलो वर्ग मीटर के प्रयोग से अमोनिया वास पर नियंत्रण किया जा सकता है। चूने का प्रयोग भी अमोनिया की रोकथाम के लिए किया जा सकता है। अगर आपका भी पोल्ट्री फार्मिंग में अमोनिया का जैसे कि वास आपको देखने को मिलता है, तो इसे आप चूने से भी मतलब रोकथाम कर सकते हैं। चूने से पोताई वगैरह भी आप कर सकते हैं। बुर्डर भवन में थोड़ी अर्थात आवश्यक भी है, क्योंकि सूक्ष्म वातावरण में चूजे ठीक से नहीं पनपते और पंखों का विकास जो है ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। अगर आपका पोल्ट्री फार्मिंग में अमोनिया वास अगर पनपता है तो रंगीन या सफ़ेद बल्ब द्वारा प्रकाश प्रदान करना चाहिए। खुले भवनों में भी प्रथम 48 घंटों में कृत्रिम प्रकाश देना चाहिए। प्रथम दो तीन तीव्र प्रकाश मतलब दो या तीन तीव्र प्रकाश देना लाभकारी सिद्ध होता है। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद प्रकाश की तीव्रता कम कर देनी चाहिए। धीरे धीरे आप इसका जो है मतलब एक दो बॉल भी आप इसे रख सकते हैं। तो इस प्रकार से अमोनिया वास की रोकथाम कर सकते हैं। बहुत सारे पोल्ट्री फार्मिंग में इस तरह का गैस बनता है, तो इसका एक ही उपाय है, आप चूना से पोताई वगैरह कर सकते हैं। और जैसे कि बहुत सारे पोल्ट्री किसान भाई के एक छोटे से डाउट रहता है कि अमोनिया गैस को हम पहचाने किस तरह। जैसे कि अभी जब भी आप पोल्ट्री फार्मिंग में विजिट कीजिएगा तो देखिएगा, जैसे कि आप अपना बुर्डर हाउस में घुसिएगा तो मतलब आंखों से जो है ना जलन प्रकार के मतलब कुछ इस तरह का मतलब जलन सा अभ्यास होगा मतलब हो। तो आप समझ लीजिएगा कि हमारे जो पोल्ट्री फार्मिंग में वो अमोनिया वास पे हो चुका है। इससे जो होता है मतलब पोल्ट्री मुर्गी को बहुत सारा दिक्कत वगैरह होता है। इसका कारण जो होता है हमारे पोल्ट्री मुर्गी को इन्फेक्शन भी फैलने का डर रहता है। लेकिन जो पोल्ट्री मुर्गी जो होता है इससे मतलब एक दिक्कत और होता है कि इसका जो पंख वगैरह होता है वो सही ढंग से मतलब विकसित नहीं हो पाता है, ठीक तरह से नहीं बढ़ पाता है, जिसका कारण इसका मतलब वेट जो होता है वो कम देखने को मिलता है या फिर इसका वेट थोड़ा मतलब कम हो जाता है। तो ये थी मतलब अमोनिया वास्प की रोकथाम। तो पोल्टिक्सन भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर हमारा चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको बॉयलर पोल्ट्री से जुड़ी जानकारी मिलते रहता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको पोल्ट्री फार्मिंग से किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। तो पोल्ट्री से भाई चलिए मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।